साई प्रणाम चिटफंड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मनाली में पंचायती राज विभाग के कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर जारी है राहत बचाव का कार्य, किसी भी ग्रामीण को नहीं होने दी जाएगी कोई असुविधा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव के तहत मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण करने का दिया निर्देश। पुलिस अधीक्षक नगर ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा समीक्षा के लिए विभिन्न संदिग्ध स्थानों का संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे फोरलेन कार का किया औचक निरीक्षण, कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निदेशक ने संबंधित कार्यों के साथ सूची उत्पादकता बढ़ाए जाने पर की चर्चा। जिलाधिकारी ने डूडा से संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। कैन थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर फर्जी नंबर के साथ पल्सर मोटरसाइकिल किया बरामद। जिलाधिकारी ने सेवा मित्र सेवा के प्रचार प्रसार सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। मिशन शक्ति के तृतीय चरण के अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर पोलियो की तर्ज पर कोविड संवेदीकरण व संचारी रोग नियंत्रण विशेष अभियान पर की चर्चा। बांसगांव थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी संबंधित कार्यों के साथ परीक्षाओं को सफल संपन्न कराने के लिए दिया निर्देश। और एडिशनल सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 84 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में पंचायती राज विभाग के कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए संबंधित कार्यों से कहा कि क्षेत्रीय भ्रमण कर साथ ही योजनाओं की प्रगति गुणवत्ता आदि की जांच करते हुए उसकी रिपोर्ट में फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराएं, जो कार्य पूर्ण हो गए हों उससे संबंधित विभागों को हस्तगत करते हुए उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए, जिससे उसका सत्यापन भी किया जा सके। ये सामुदायिक जो शौचालय है वो कितना अच्छा चल रही है, और चलने वाले लगा दीजिए, कंस्ट्रक्शन वाले मत डालो, ठीक है, जो चल रही है और अच्छा चल रही है, जो आपको लगा कि मैं संतुष्ट हूं सर ये बहुत अच्छा चल रही है, इससे लोगों को फायदा। दूसरा जो चल मतलब जो स्थल पे जो चयन होना है इसमें थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि स्थल के चयन में बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। एज ए नोडल ऑफिसर मैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट में देखा हूँ कि जगह गलत हो जाएगा तो उसका यूज कोई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा शहर मतलब गांव से हर जन का उसको चलाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इतना पैसा लगने के बाद। एक बार देख लीजिए जो कहा जा रहे हैं वहां पे एंट्रेंस एक ही रखा गया है, ठीक है, दो नहीं रखा गया है, ठीक है। देखिए शौचालय का एक चीज ध्यान रख लीजिए, साफ सुथरा नहीं है कोई नहीं जाएगा अंदर, ठीक है, और आपकी सफाई करनी जो है उसको भी लगा करके रखिए, वो भी देखते रहे, और एक तो ग्रुप में डाल कर। जनपद में तेजी से बढ़ रहे नदियों के जलस्तर व बाढ़ की स्थिति को जानने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों से यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राहत सामग्रियों के वितरण के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था सकुशल मुकम्मल की जाए, जिससे किसी भी ग्रामीण को कोई असुविधा न हो।
घर नहीं बना जाता अमन के। इस संबंध में श्रीमंत संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया लगभग 300 गांव अभी प्रभावित हैं, गांव से क्षेत्र जलमग्न हुआ है। लगातार निगरानी की जा रही है, जब सभी तटबंधों पे हमारी टीम तैनात है सामग्री मानव संसाधन के साथ, और प्रशासन की टीम और बाढ़ कार्यकंड की टीम सभी लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं दिन रात। बाढ़ राहत सामग्री शासन से के अपेक्षा अनुसार वहाँ प्रेषित की जा रही है, सब वितरण किया जा रहा है, राशन किट से लेके मिट्टी के तेल से लेके विद्युत की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था भी व्यवस्था की जा रही है, और लगातार लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, मीडिया और सभी के माध्यम से सूचनाएं का आदान प्रदान करते हुए निरंतर इसमें कार्य किया जा रहा है। और कोशिश है कि जो बाढ़ नियंत्रण योजना है हमें उसी अनुरूप हम लोग काम करते रहें और लोगों के साथ मिलकर राहत कार्य आगे बढ़ाएँ। सर आज दो जगह पे कटान हुई है, सर क्या जानकारी? हाँ, फरान नाले में और जोगिया गांव में हुआ है, तो लगभग 5 गांव वहाँ पे मेरून हुए हैं, जिसमें इवैक्यूएशन का काम लगातार चल रहा है। हमारी टीम वहाँ है, NDRF की टीम भी वहाँ पहुँची है, बोट्स वहाँ तैनात हुए हैं, और राशन सामग्री और राहत सामग्री वहाँ पे तत्काल पहुँचाई जा रही है, और वहाँ पे सभी को सेफ एरिया पे रिहैबिलिटेट किया गया है। सर कुछ मुख्य मार्गों पर भी सर बाढ़ का पानी आ गया सर, ऐसे में आवागमन किस तरह से चल रहा है? नहीं, जो सभी जगह ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, सुनौली मार्ग और वाराणसी मार्ग पर कर दिया गया है। वाराणसी मार्ग के इसको हम लोगों ने कजनी क्षेत्र के लिए डाइवर्ट कर दिया और ट्रैफिक वहाँ रेगुलेट किया जा रहा है, वहाँ ट्रैफिक की टीम, पुलिस की टीम पहुँच के नियंत्रण कर रही है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ आगामी 2022 विधानसभा चुनाव निर्वाचन नामावली पुनः निरीक्षण कर नवंबर तक पूर्ण कर प्रकाशन कराया जाए को लेकर निर्देशित किया। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करें, साथ ही मृतक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से निष्कासित किया जाए। यह प्रक्रिया सामूहिक रूप से गांव के वार्ड में बैठक कर संकलित करें। इस दौरान ADM वित्त राजेश कुमार सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट पंकज दीक्षित सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये जो भी हमारे प्रस्ताव है रजिस्ट्रेशन के, इसको हम पब्लिक डोमेन में अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होती है उस पर जरूर अपलोड कर 1 नवंबर को हमारे प्रदेश में सब डिवीजन प्रारंभ होगा, और आपका 1 जनवरी 2022 के अर्धा तिथि के आधार पर कर देंगे, और उसके बाद ये समस्या
हर बार आती है, आयोग से इस विषय में कोई लेकर हमेशा प्रस्ताव लौटते रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने न्यायालय परिसर का भ्रमण कर न्यायालय परिसर की सुरक्षा की समीक्षा सीजेएम के साथ की। निरीक्षण के दौरान डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। वहीं अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए बंदी गृह, अधिवक्ता चैम्बर, कार्यालय व कंट्रोल रूम सहित न्यायालय परिसर का गहनता के साथ निरीक्षण किया गया। हाजिरी पर आए हुए कुख्यात अपराधियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। न्यायालय परिसर में सुरक्षा में प्रवेश द्वार व परिषद में तैनात सुरक्षाकर्मियों, संबंधित कोणों की समीक्षा करते हुए सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी, कैंट इंस्पेक्टर सुधीर सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में श्रीवंश संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया कि हमने न्यायालय सुरक्षा का जो समीक्षा किया है, इसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज सर से मिले, सीजीए मैम से मिले, वकीलों से मुलाकात की हमने और बार एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात की हमने, और सबके जो फीडबैक हमको मिले हैं कि क्या क्या उनको लगता है कि करने से सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है वो हम सब करेंगे। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का की देखा गया, कंट्रोल सेंटर को देखा गया, बीडीडीएस टीम और स्निफर डॉग की मदद से हमने चेकिंग करी। इसके अतिरिक्त हमने जंक्शन डिटेक्टर का भी यूज़ किया, हैंडहेल्ड डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर का सब की समीक्षा की गई। वहाँ जो अधिकारी और जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन सब से बात की गई, उनके ज्ञानवर्धन के लिए उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी बात की जा रही, ये सब किया गया और न्यायालय सुरक्षा को बेहतर करने में जो भी हमें फीडबैक मिला है उस पर हम कार्य करेंगे। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर चल रहे फोर लेन निर्माण कार्य का जिलाधिकारी विजय किरण नंद द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निदेशक डॉक्टर विवेक सिंह ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में कृषि संबंधित विभिन्न विषयों के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की।
चर्चा के दौरान कृषि निदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जाने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ सके और उनकी आय दुगनी हो सके। इस दौरान संयुक्त कृषि निदेशक हरेंद्र उपाध्याय, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, सुरक्षा अधिकारी संजय यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाया जाए। देखिए, वर्तमान जो परिवेश चल रहा है उसमें फलोत्पादन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में सेवा मित्र सेवा के प्रचार प्रसार एवं जनपद में उक्त सेवा के संचालन हेतु संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर कहा कि उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के पोर्टल पर सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण, सेवा मित्र योजना का व्यापक प्रचार प्रसार एवं अनुसरण किया जाए एवं सेवा मित्र पोर्टल पर सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण की जानकारी भी दी जाए। इस दौरान सहायक निदेशक के आयोग राम बिहारी चतुर्वेदी, अपर सांख्यिकी अधिकारी अरविंद यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में गुरुवार की देर शाम जिला नगरीय विकास प्राधिकरण डूडा से संचालित स्वरोजगार ऋण योजना, प्रधानमंत्री आवास पीएम निधि सहित अन्य योजनाओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि स्वतः रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो मिला है, जिसके सापेक्ष लाभार्थियों को ऋण आवेदन स्वीकृत कर बैंक को भेजा गया है, जिसे गंभीरता के साथ संबंधित अधिकारी ऋण मुहैया कराने में किसानों की मदद करें। इस दौरान परियोजना अधिकारी विकास सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। या तो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, या जेई हैं, या सर्वे हैं। जेई और सर्वे ज्यादा होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के तहत कैंट थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल फर्जी नंबर के साथ बरामद किया है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद आराधना शुक्ला ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा सफल संपन्न कराई जाए, इस विषय पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि COVID-19 की वजह से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में पिछले अंकों के आधार पर परीक्षार्थियों को पदोन्नत कर दिया गया था। अब जिन छात्र छात्राओं को नंबरों को लेकर दुविधा रही है, उनकी परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। इच्छुक परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए UP बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा कराने के लिए सेंटरों की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद को अतिशीघ्र भेजकर उन परीक्षार्थियों की परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में संपन्न कराई जा सके। साथ ही शताब्दी महोत्सव मनाए जाने के लिए अपनी तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाए। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर रेखा दिवाकर, DIOS आनंद सिंह भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और कापियां आपके पास हैं, इसलिए कि पहले से कापियां अप्रैल में जो परीक्षा थी, डेट थी, सभी पहुंच चुकी हैं। पेपर आपके पास पहुंच जाएगा समय से,
लेकिन मेरा केवल इतना आग्रह है कि जो 25 जनपद के लोगों ने अभी केंद्र निर्धारित कर एलुमनाई की सूची आप लोगों ने भेजी थी, नितिन गडकरी साहब के साथ जब गूगल मीट रिलीज हुई थी उसमें तय किया गया था कि अभी तक आपने सूची भेजी है लेकिन एक और सूची उसको फिल्टर करके दी जाए और मंडल स्तर में उसकी पहले चर्चा बेहतर ये होता कि एक एक दो समितियों को आप बुला लेते इलाहाबाद में मिशन शक्ति के तृतीय चरण के अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी कार्यालय अशोक कुमार शुक्ला एवं महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में महिला थाने पर महिला चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन आत्मरक्षा के बारे में जागरूक किया। वहीं मौजूद महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बांसगांव थाने की पुलिस ने ऑपरेशन सिकंजा के तहत गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी संदीप दुबे को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर बांसगांव थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिले में पोलियो के तर्ज पर कोविड-19 संवेदीकरण व संचारी रोग नियंत्रण विशेष अभियान 7 सितंबर से शुरू किए जाने को लेकर संबंधित कार्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि यह विशेष अभियान 16 सितंबर तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के आपसी सामंजस्य के तहत योजना तैयार की जाए। मौसम परिवर्तन हुआ तो मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के तहत यह अभियान युद्ध स्तर पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एसीएमओ सहित अन्य डॉक्टर व पुलिस अधीक्षक अपराध महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो एक सुपरवाइजर प्लस 5 टीम के लिए होगा और इसके बाद जो एक्टिविटी है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होगी और रिपोर्टिंग जो है जो भी सुपरवाइजर है वो लोग ब्लॉक की टीम को जोड़ना, सेक्रेटरी देखभाल सबको जोड़ना बहुत जरूरी। आप अकेले वहाँ आवाज लगाएंगे ना अकेले पड़ जाएंगे, प्रधान को जोड़ेंगे और सबको जोड़ेंगे। जो भी हमारा एक टीम मेंबर काम करेगा उसको पर डे का 75 का ऑर्डर दिया मैंने और जो भी सुपरवाइजर हमारे काम करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद की स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद के विभिन्न 84 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज कुल 84 जगहों पर टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और 20,000 का लक्ष्य रखा गया है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर कुछ नई भी गाइडलाइन आई हुई है? एक गाइडलाइन आई है जिसमें कि शिक्षक दिवस के पहले हम सभी शिक्षकों को टीकाकृत कर लें, इसके लिए सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और अधीक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपने ब्लॉक में शिक्षा विभाग से संपर्क स्थापित कर और शिक्षकों को प्राथमिकता के तौर पर टीकाकरण करा दें। सर, जो विदेशी नागरिक हैं क्या उनके लिए भी कोई गाइडलाइन आई है कि यहाँ पे उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है? विदेशी नागरिकों के लिए आया है और हम उनका टीकाकरण MRI सेंटर में करा रहे हैं।
दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मणावंत ने पंचायती राज विभाग के कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर जारी है राहत बचाव का कार्य, किसी भी ग्रामीण को नहीं होने दी जाएगी कोई असुविधा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव के तहत तो मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण करने का दिया निर्देश। पुलिस अधीक्षक नगर ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा समीक्षा के लिए विभिन्न संदिग्ध स्थानों का संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे फोरलेन कार का किया औचक निरीक्षण, कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निदेशक ने संबंधित अधिकारियों के साथ सूची उत्पादकता बढ़ाए जाने पर की चर्चा। जिलाधिकारी ने डूडा से संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। कैंट थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर फर्जी नंबर के साथ पल्सर मोटरसाइकिल किया बरामद। जिलाधिकारी ने सेवा मित्र सेवा के प्रचार प्रसार सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। मिशन शक्ति के तृतीय चरण के अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर पोलियो की तर्ज पर कोविड संवेदीकरण व संचारी रोग नियंत्रण विशेष अभियान पर की चर्चा। बांसगांव थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी संबंधित कार्यों के साथ परीक्षाओं को सफल संपन्न कराने के लिए दिया निर्देश। और एडिशनल सीएमओ ने जानकारी कहा, जनपद के विभिन्न 84 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।